corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, conflict, environment, gender, development, corruption. एक और जहां 1 अप्रैल से सरकार शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे रही है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा के हिसार जिले में हमारे नजदीकी गांव प्रभुवाड़ा में अपने माता पिता के पास काम करने वाली 9 वर्षीय ज्ञान देवी को शिक्षा तो क्या, स्कूल के दर्शन भी नहीं किए। स्कूल जाने का मेरा मन करता है, यहाँ पे स्कूल नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ। ये कहानी अकेली ज्ञान देवी की नहीं, इस बट्टे पर ही 20 ऐसे बच्चे हैं जो चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे और इनका बचपन इन बट्टों पर ही गुजर जाता है। इस तरह के ना जाने कितने बट्टे हैं जहां पर हजारों बच्चे अपने भविष्य की ओर देख रहे हैं। हमारे उकलाना ब्लॉक में 6 बट्टा पाठशालाएं बिल्कुल चल रही हैं इस टाइम अच्छी तरीके से। उनको उनके पास सारा सामान भी आ चुका है। 3 और बट्टा स्कूल के उनके भी जो रिजोल्यूशन आए थे हमारे पास, वो हमने SSC ऑफिस में भेज चुके हैं। जब भी उनके बारे में आ जाएगी सूचना तो वो भी शुरू करवा दिए जाएंगे। हाँ जी साहब, इस भट्टे में भी स्कूल नहीं है और पड़ोस के भट्टों में भी स्कूल नहीं है। अधिकारी आए, नाम लिख के चले गए और कोई प्रबंध नहीं है पढ़ाने लिखाने के। 4 साल से लगातार आ रहे हैं। ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है कि शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत सभी बच्चे अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा हासिल कर सकेंगे, लेकिन यदि प्रशासन, सरकार व सामाजिक संस्था चाहे तो इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है। ये उद्देश्य मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। मैं सत्यवान वर्मा, प्रभुवाड़ा, हरियाणा से इंडिया अनहर्ड के लिए। बता बता।